करेंटली इंडिया के सबसे सक्सेसफुल एसयूवी मेकर्स या मैं कहूँ कार मेकर ने एक बार फिर से दस्तक दी है। जी हाँ, अपने इंडियन कार ऑफ द प्रोडक्ट के साथ हिंडई i20। i20 एनलाइन है आज हमारे साथ। ये एक i20 का स्पोर्टियर और डायनेमिक वर्जन है। आप देख रहे हैं ऑटो जर्नल इंडिया, मैं हूँ प्रवीण और आज हम देखेंगे i20 एनलाइन का डिटेल रिव्यू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा SAS हिंडई तेलीबाग का, जिन्होंने हमें i20 एनलाइन रिव्यू करने के लिए दी। इसी सी ऑफर हो जाती है यहाँ पर लॉकिंग ऑप्शंस, यहाँ पर अनलॉकिंग ऑप्शन जिसके साथ कार बीप करती है, और यहाँ पर होल्ड करके रखोगे आपका तो बूट अनलॉक हो जाएगा, और ये हॉन्ग करने के लिए। हॉन्ग कभी नहीं कराते हैं कार शोरूम में, तो काफ़ी बज़ क्रिएट हो जाएगा। ऑलरेडी इस कार का बज़ मार्केट में काफ़ी क्रिएट है। आइए चेक करते हैं i20 एनलाइन के एक्सटीरियर में हमें क्या क्या ऑफ़र किया जाता है। तो फ्रंट में आपको एक नई ग्रिल मिल जाती है जो कि रेसिंग इंस्पायर्ड है, रेसिंग पैटर्न इंस्पायर्ड है। चेकर्ड फ्लैग जो कि रेस में वेव किया जाता है स्टार्टिंग में और एंडिंग में। एनलाइन का बैज मिल जाता है जो कि शो करता है नामयांग और नर्बर्गरिंग का। फ्रंट में आपको हुंडई की बैजिंग मिल जाती है, और यहाँ पर क्रीसेस मिल जाते हैं बोनेट पे जो कि कार को एक बहुत ही स्पोर्टी और माचो लुक देते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है बल्ब इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर, और यहाँ पर आपको कॉर्नरिंग फंक्शन बहुत ही ज़रूरी होता है और काफ़ी हेल्पफुल होता है जब आप कॉर्नर करते हो माउंटेनियस रोड पर या फिर कहीं रेसिंग ट्रैक पर। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है जिसका मैं सिनेमैटिक अटैच कर दूंगा, आपको शो करेगा, तो हनी बी टाइप का पैटर्न है, बहुत ही अच्छा लगता है। लोअर पार्ट की बात कर लूँ मैं तो यहाँ पर आपको ऑफर किया जाता है LED फॉग लैम्प्स भी आजकल सारी कार्स LED ऑफर कर रही हैं, और कुछ ऐसा ही हुंडई ने भी किया है। ग्लॉस ब्लैक का खूब सारा यूज़ किया गया है यहाँ पर, और ये थंडर ब्लू जो कलर ऑफर कर रही है हुंडई उसके साथ बहुत ही अच्छी मैचिंग होती है इसकी। रेड एसेंट्स जो फ्रंट्स में रेड इंसर्ट्स दिए गए हैं, ये कार को लुक दे रहे हैं, ये लगती है रोड पे जब चलती है तो हाँ ये एक स्पोर्टियर कार हुंडई ने लॉन्च की है, और वो फील भी होता है। साइड की बात कर लूँ तो साइड में आपको यहाँ पर व्हील जो ऑफर किए जाते हैं उनका साइज़ है 195/55R16। व्हील साइजेस को लेके कई लोगों ने बात की, लेकिन जो डिज़ाइन किए गए हैं वो कुछ चीज़ों को दिमाग में रख कर किए गए होंगे हुंडई की तरफ से, तो मेरी तरफ से व्हील्स से नो कम्प्लेन। एलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है ये भी काफ़ी फ्रेश सा है, नया सा है, सिल्वर और ग्रे फिनिश में मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है पिछली वाली i20 से। यहाँ पर आपको रेड कैलिपर मिल जाते हैं जो कि एक दिखाता है ये कार स्पोर्टियर फैमिली से आई है और वहीं पर बिलोंग करती है। एनलाइन की बैजिंग यहाँ पर मिल जाती है, पहले हुंडई की बैजिंग मिलती थी, अब एनलाइन की बैजिंग है जो कि एक बहुत ही अच्छा टच है। तो हुंडई कहीं ना कहीं आपके माइंड पर वो इम्प्रेशन डालना चाहता है एनलाइन फ्रंट में, एनलाइन साइड में, और एनलाइन यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा एक इम्पैक्ट जो हुंडई क्रिएट करना चाहता है। साइड में लाइंस रन करती हैं, तो इस वक्त आप देख रहे होंगे साइड व्यू कार का जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं रिक्वेस्ट सेंसर, और रिक्वेस्ट सेंसर जैसे ही आप प्रेस करोगे तो मिरर्स भी अनफोल्ड हो जाएंगे। ये ग्लॉस ब्लैक का जो टच किया गया है यहाँ पर बहुत अच्छा है, वही टच आपका रन करता है पूरा थ्रू आउट द पिलर, और रियर में जो स्पॉइलर है वहाँ तक रन करता है। स्पॉइलर भी काफ़ी स्पोर्टियर डिज़ाइन किया गया है, साइड विंग्स ऑफर किए गए हैं, फ्रंट जो ग्रिल थी वही मटेरियल यहाँ पर भी यूज़ किया गया है, विंडोज़ भी काफ़ी वाइड ओपन है, जब इंटीरियर में बैठेंगे तो उसकी बात करेंगे। लोअर पार्ट में भी कार के यहाँ पर रेड कलर का यूज़ किया गया है, तो कई लोगों ने इसका नाम एथलेटिक रेड हुंडई कहती है, कई लोगों ने इसे टोमेटो रेड भी कहा है। आप बताना जो फैमिली ऑटो जर्नल इंडिया की, ये कौन सा रेड है। और अगर आप फॉर्मूला 1 देखते हो तो लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टैपन में आपका फेवरेट कौन है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रियर की बात कर लूँ मैं तो यहाँ पर आपको i20 की बैजिंग मिल जाती है, एनलाइन की बैजिंग भी दी जा सकती थी लेकिन वो ओवरडन हो जाता है, इसलिए ये थोड़ा सिंपल और सोफेस्टिकेटेड ही अच्छा लगता है। एनलाइन की बैजिंग हालांकि यहाँ पर आपको मिल जाती है, तो जो लोग इस कार को फॉलो करेंगे उन्हें पता होगा किस कार से आप टक्कर लेने जा रहे हो, एक एनलाइन से टक्कर लेने जा रहे हो, तो थोड़ा पीछे हट के रहिएगा। यहाँ पर आपको मिल जाता है शार्क फिन एंटीना जो इस कार की खूबसूरती को काफ़ी एनहेंस करता है। ग्लॉस में आपका स्पॉइलर भी फिनिश है, और रेसिंग पैटर्न जो होता है चेक पैटर्न वो भी यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो इन्हें साइड विंग हुंडई कह रही है जो स्पॉइलर के साथ ऑफर किए जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा मर्ज होते हैं ये, काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर डिफॉगर आपको यहाँ पर मिल जाता है, रियर वाइपर मिल जाता है, और ये यहाँ पर कुछ छिड़कानी करने की कोशिश नहीं की गई, और ये लुक हुंडई i20 का अच्छा भी लगता है। स्टार्टिंग में आया था लोगों को नहीं पसंद आ रहा था, लेकिन वो आप
रोड पर इतनी प्रेजेंस है इस कार की कि वो आपकी आँख को सूदिंग लगने लगता है। यहाँ पर आपको जेड शेप एलईडी में लाइट्स मिल जाती हैं, टेल लैंप्स, यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं बल्ब वाले, और यहाँ पर आपको रिवर्स लाइट्स मिल जाती हैं बल्ब में ही, ये भी ऑफर किया जाता है। क्रोम गार्निश की स्ट्रिप रन करती है पूरी कार में। हुंडई की बैचिंग हो गई यहाँ पर, i20 की बैचिंग इधर, दो आपका रिवर्स सेंसर हो गए, और यहाँ पर आपको कैमरा ऑफर किया जाता है। नीचे आपको मिल जाते हैं स्किड प्लेट्स जो कि इस कार को और स्पोर्टियर डिज़ाइन देते हैं, और रियर से जैसा मैं बता रहा हूँ कि ये रोड पे और स्पोर्टी लगे। नीचे मैं बात करूँ तो ट्विन मफलर्स मिल जाते हैं। ट्विन मफलर्स हमने अल्काज़ार पेट्रोल में देखा था कि कितनी अच्छी वहाँ पर नॉइज़ आ रही थी एग्जॉस्ट से, काफ़ी अच्छा साउंड निकल के आ रहा था, वैसा सेम यहाँ पर ट्विन मफलर से उससे बहुत बेटर निकल के आने वाला है। और ड्राइव इम्प्रेशंस जल्दी आएंगे इस कार के, और एक एनहांस्ड वीडियो आएगा। SAS की बैजिंग जहाँ पर हम हैं इस वक्त इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो अपने नज़दीकी हुंडई सेंटर पे जाना मत भूलिएगा, और अगर आप लखनऊ से वीडियो देख रहे हैं तो SAS हुंडई में जल्द से जल्द आकर अपनी एनलाइन को बुक करा लीजिएगा। बात करूँ मैं बूट में क्या ऑफ़र किया जाता है, तो बूट आपका की से भी खुल जाएगा, अनलॉक हो जाएगा हालांकि, और यहाँ पर आपको मिल जाता है पार्सल ट्रे। तो इस तरह की जो पार्सल ट्रे है, कवरिंग ट्रे से काफ़ी एडवांटेज रहता है इसका, मैंने आपको हमेशा बताया, तो आप इसको ऐसे करके यहाँ पर आप अपना लैपटॉप और जो बॉक्सेस रहते हैं काफ़ी कुछ यहाँ पर रख सकते हो। कवरिंग ट्रे का कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता, वो केवल सामान को ना दिखे वैसा लुक अच्छा करने के लिए बस यूज़ हो पाता है। यहाँ मैं बात करूँगा स्पेयर व्हील जो है वो स्टील रिम्स ही ऑफ़र किए जाते हैं, तो एक छोटे साइज़ के भी आते हैं 185/65 R15, तो 15 इंचेस हैं, सेफ लोकेशन तक आपको पहुँचा दें उसका यूज़ होता है। यहाँ पर ट्रे जो है वो अच्छे मटेरियल में फिनिश की गई है, आपको यहाँ पर वार्निंग ट्रायंगल्स मिल जाते हैं, इसको आप यूज़ करके सेफ्टी, जब आपकी कार पंचर हो तो इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर बोस का बूफर मिल जाता है जो कि कार में एक 3D साउंड क्रिएट करने का कोशिश की गई है, और हुंडई बहुत हद तक इस चीज़ में सक्सेसफुल भी रहा है। बहुत ही अच्छी आवाज़ है इन बोस के स्पीकर्स की, हम आप इंस्टाग्राम पे रील भी डालेंगे इससे रिलेटेड, आप वहाँ पर जाके इनकी साउंड क्वालिटी को चेक कर सकते हो। यहाँ पर इसको लोअर करने के लिए ऑफ़र किया जाता है, एक यहाँ पर पकड़ने के लिए आपको मिल जाता है ग्रैब हैंडल जैसा, और ये बटन्स है जिनकी मदद से आप इसे अनलॉक कर सकते हो। 311 लीटर्स का इसका बूट कैपेसिटी है, तो अच्छा खासा बूट कैपेसिटी है, सफिशियंट है अगर आप छोटी ट्रिप प्लान कर रहे हो इस कार के साथ आसपास, तो वहाँ पर इसका यूज़फुलनेस हो जाएगी। यहाँ पर मैं बात करूँ रियर व्हील्स की, तो रियर डिस्क ब्रेक्स भी ऑफ़र किए जा रहे हैं हुंडई की तरफ से। तो हुंडई क्लेम कर रहा है जो इसके सस्पेंशंस हैं उनको 30% स्टिफ किया गया है, स्टेयरिंग में भी वेट ऐड किया गया है, और डिस्क ब्रेक ऑफ़ करने से ये बात तो है कि ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है हुंडई i20 N-Line की, और जो रोड पे आप टर्न ट्विस्ट लोगे तो वहाँ पर गेम बदलने वाला है अब i20 N-Line की तरफ से। आइए चलते हैं i20 के इंटीरियर्स में N-Line के, और देखते हैं क्या क्या ऑफरिंग्स मिल जाती हैं। बहुत ही एक्साइटिंग है इसका इंटीरियर। तो डोर जो है आपका सफिशियंटली वाइड खुलता है, काफ़ी अच्छे वाइड खुलता है। यहाँ पर आपको रेड एसेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आप कॉइन्स वगैरह रख सकते हो, अभी मैं की रख के दिखाता हूँ आपको, की आराम से आपकी यहाँ पर आ जाएंगे, और ग्रैब करने में भी अच्छा है। ये जो मटेरियल है हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है हार्ड प्लास्टिक के बावजूद भी काफ़ी अच्छी है। चारों विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ग्लास लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, कार लॉक अनलॉक का ऑप्शन, मिरर से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाते हैं साइड व्यू मिरर से, यहाँ आपकी एक बॉटल आराम से आ जाएगी, और यहाँ पर आप बुकलेट्स वगैरह रख सकते हो कार में। अनलॉकिंग के लिए आपको यहाँ पर ये मिलता है इंटीरियर में, और लॉक इससे कर सकते हो आप जिससे सेंट्रली कंट्रोल्ड होता है ये। इंटीरियर में बैठ के देखते हैं तो 6'2" के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, 6' का कोई होगा तो उसे और अच्छा यहाँ पर लगेगा इसमें। स्टीयरिंग व्हील की फर्स्टली मैं बात कर लूँ तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर परफोरेशंस ऑफ़र किए जाते हैं, मैं जतिन के रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा आगे आएँ, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफोरेशंस ऑफ़र किए जाते हैं, और स्टीयरिंग एक नया डिज़ाइन का है, डी कट भी नहीं है, क्रेटा में जो आपका यहाँ पर सिल्वर फिनिशिंग आती थी वो भी नहीं है, छोटा स्टीयरिंग है और रेसिंग स्टीयरिंग लग रहा है ये। हॉर्न पैड आपको बीच में अच्छा मिल जाता है, तो हॉर्न करके एक बार देख लेते हैं, हॉर्न बेस्ट इन द सेगमेंट इस हॉर्न को मैं दूंगा,
जो हुंडई ऑफर कर रहा है। क्रेटा में ऐसा ही हॉर्न आता था और अब इसमें भी आ रहा है। स्टीयरिंग में यहाँ पर जो कंट्रोल्स हैं इन बटन्स का भी बहुत ही अच्छा ऑफरिंग है। यहाँ पर म्यूट के आपको ऑप्शन मिल जाता है म्यूट का, वॉइस एनेबल्ड, सनरूफ मिल जाती है। तो सनरूफ इस पूरे डार्क केबिन को एक रूमियर फीलिंग देता है और क्लास्ट्रोफोबिक नहीं लगता आपको इस केबिन में। काफ़ी अच्छा और स्पोर्टी लुक लगता है इस कार का। कॉल रिसीव के ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पर आपको, क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाते हैं। एन लाइन की बैजिंग यहाँ पर दी गई है, तो जब आप चला रहे हो और कोई आपसे टक्कर ले तो यहाँ बस देखना होगा आपको, एन लाइन में आप बैठे हो, एंड गेट सेट गो। यहाँ पर जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है कॉकपिट में, जिसे डिजिटल कॉकपिट कहूँगा, तो आपको राइट में RPM ऑफर किया जाता है, लेफ्ट में आपको स्पीडोमीटर ऑफर किया जाता है। तो MG की तरह ही यहाँ पर थोड़ा उल्टा है, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है जब ब्लू में ये ग्लो करता है रात में आप ड्राइव करते हो। ड्राइविंग से रिलेटेड ऑप्शन है यहाँ पे, पहले डोर क्या दिखाता है कि डोर कौन कौन से खुले हैं, यहाँ पर आप शो करता है आपका और कहाँ आपको जाना है वो। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, तो सेफ्टी रिलेटेड भी यहाँ पर चेक हो जाते हैं। और यहाँ मैं बात करूँगा तो एवरेज शो करता है, इंस्टेंट इकॉनमी, तो ऐसे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। 10.25 इंच का यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट मिलता है और यही अभी स्टैंडर्ड हुंडई की तरफ से ऑफर किया जा रहा है और ये काफ़ी अच्छा है। इसका टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। नेविगेशन इसका, आप गूगल मैप से ज़्यादा इस पर रिलाई कर सकते हो, रियल टाइम आपको दिखाता है, अपडेट होता है समय के साथ ये मैप यहाँ पर। अब मैं इसमें सेटअप में जैसे गया मैं, तो यहाँ पर मैं कार के डिस्प्ले सेट कर सकता हूँ और कार को रिलेटेड ऑप्शन, ब्राइटनेस सेट कर सकता हूँ और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। वॉल्यूम कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। मर्ज होता है ये आपका कॉकपिट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर साथ में मर्ज होता है। यहाँ पर आपको मैनुअली नहीं, फर्स्ट इन सेगमेंट और काफ़ी अच्छा टच है ये। IRVMs मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक डिविंग, तो ये बहुत अच्छा है। ब्लू लिंक से कनेक्टेड ये कार है आपकी। SOS और टोइंग से रिलेटेड आपके ऑप्शन यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। ये मटेरियल की मैं बात करूँ, हार्ड प्लास्टिक है लेकिन टच करने में काफ़ी अच्छा फील दे रहा है ये यहाँ पर, और थोड़ा चेक पैटर्न में ये भी है, रेसिंग पैटर्न में ये भी है, और मैं इस मटेरियल से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ जो यहाँ इंटीरियर में यूज़ किया जा रहा है और यहाँ पर रन कर रहा है AC वेंट्स के ऊपर, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये AC वेंट जो पूरा AC में मर्ज हो रहा है। और रेड इंसर्ट्स जो मिलते हैं इसमें बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर आप टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हो, AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, रेड एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है, तो आपके जो एग्रेशन है स्पोर्टी, वो एंथुजियाज जो हैं स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हैं उनको एक लाइटन अप करती है इनका मूड, और गेट सेट गो जो मैं बोल रहा हूँ बार बार उसके लिए यहाँ पर हेल्पफुल है। वायरलेस चार्जिंग आपको बीच में मिल ऑफर की जाती है और चार्जिंग से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, 12 वोल्ट का चार्जिंग और 2 USB चार्जिंग मिल जाते हैं। IMT मॉडल है, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, तो इसमें क्लचलेस होती है गाड़ी और यहाँ पर आप गियर शिफ्ट कर सकते हो। ब्रेक पैडल जो है मेटेलिक पैडल जिन पर रबर का यूज़ करके तो फिसले ना, काफ़ी अच्छी ग्रिप बने उनका, यहाँ पर आपको इजीली दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको कार का फ्रंट जो बोनेट है वो खोलने का ऑप्शन मिल जाता है। ये हेडलाइट लेवलिंग स्विच मिल जाती है, जो कैमरा से रिलेटेड ऑप्शन है वो मिल जाता है यहाँ पर, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑप्शन मिल जाता है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल आप प्रेस करोगे तो डिसेबल्ड भी हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पर आपको हेडलाइट के रिलेटेड ऑप्शन मिल जाते हैं, वाइट इसके प्रोजेक्टर लैंप्स हैं, और यहाँ लेफ्ट में आपको यहाँ पर मिल जाता है आपको वाइपर के कंट्रोल ऑप्शन। मैं बात करूँ हेड स्पेस की, तो 6'2" के हिसाब से भी बहुत अच्छी हेड स्पेस यहाँ पर ऑफर की जा रही है हुंडई की तरफ से। काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं और यहाँ इनकी हाइट आप इससे एडजस्ट कर सकते हो, और फ्रंट और रियर में ऐसे आप इसको मूव कर सकते हो। IMT की हम बात कर रहे थे, तो IMT और 7-speed DCT के साथ ये ऑफ़र किया जाएगा, 1 लीटर का टर्बो GDI इंजन, और इसकी बात हम आगे चल के करेंगे। यहाँ हैंड ब्रेक ऑफरिंग्स मिल जाती हैं, 2 बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं और आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि स्लाइडिंग है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। सीट्स पे भी वो रेड जो मटेरियल है उसका यूज़ किया गया, रेड स्टिचिंग का यूज़ किया गया, तो यहाँ पर हो गया, AC वेंट्स पे हो गया, एक्सटीरियर में हो गया जो एथलेटिक रेड है, तो वो स्पोर्टियर जो एग्रेशन है उसको शो करता है। और मैं कहूँगा आपसे एक बार इस कार को आप नियरेस्ट हुंडई सेंटर में आके इसका टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिएगा, काफ़ी बेहतरीन लग रही है ये ड्राइव करने में, और ड्राइव इंप्रेशन भी इसका काफ़ी जल्दी आने वाला है। 220 किलोमीटर की इसकी ड्राइविंग स्पीड। यहाँ पर आपको सनवाइज़र मिल जाते हैं, तो यहाँ पर मिरर ऑफर नहीं किया जाता ड्राइवर को, लेकिन को पैसेंजर साइड मिरर भी ऑफर किया जाता है, तो ये एक अच्छा टच है। सनग्लास होल्डर मिल जाता है, तो प्रॉपर एक सनग्लास होल्डर कुशनिंग के साथ मिल जाता है, तो ये एक होता है प्रॉपर सनग्लास होल्डर। येलो लाइट्स मिल जाती हैं जिनको वाइट किया जा सकता था,
यहाँ पर आपको लाइट्स एक साथ सारी जलानी है तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। सनरूफ जो है आपका फर्स्ट लेयर जो है आपको पहले खुद से मैन्युअली हटानी पड़ेगी, और सेकंड जो लेयर है वो आप वन टच से रिवर्स कर सकते हो। आप बीच में से रोक भी सकते हो, जितना आपको ओपन करना है आप कर सकते हो। तो ये एक अच्छा टच है जो कि डार्केंड आउट केबिन में आपको बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करने नहीं देता है। आइए चलते हैं रियर में क्या ऑफरिंग्स मिल जाती है i20 एन लाइन के। मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ, आप भी काफ़ी एक्साइटेड, आइए चलते हैं रियर में। अब आ जाते हैं हम i20 के रियर में, और एन लाइन के रियर में लेग स्पेस तो 6'2" के हिसाब से काफ़ी सही है। मैगजीन होल्डर यहाँ पर मिल जाता है और सीट्स भी काफ़ी कुशनी हैं। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं और बीच में आपको ऑफ़र किया जाता है हैंडल्स जो कि अभी पैक्ड है, तो इससे हम ट्विन कप होल्डर्स के साथ स्टैंडर्ड हुंडई ऑफर करती है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। सीट्स थोड़ी अपराइट है जो थोड़ा हल्की और इंक्लाइन होती तो और कम्फर्टेबल हो जाती राइट। हेड स्पेस भी अच्छा है यहाँ पर, सफिशियंट है, 6'2" के हिसाब से अच्छी स्पेस ऑफर की जाती है। यही मटेरियल फ्रंट में ऑफर किया जाता है, सेम डोर्स है, सेम चीज़ है। रियर में यहाँ पर आपको रेड इंसर्ट्स के साथ ऑफ़र किए जा रहे हैं एसी वेंट्स, तो एसी वेंट्स अल्ट्रॉज में भी हमने देखा था, इसमें भी यहाँ पर ऑफ़र किए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको हल्की सी स्पेस मिल जाती है, तो अगर आप फ़ोन चार्जिंग में लगाते हो तो उन्हें यहाँ पर आप अच्छे से रख सकते हो। तो अभी मैं की रख के दिखाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल तो वायर से कनेक्ट होगी, यहाँ पर आप इसे आराम से रख सकते हो। अपराइट होकर बैठते हो तो अच्छा खासा स्पेस है, तीन लोग आराम से बैठ सकते हो। सीट बेल्ट्स यहाँ पर ऑफ़र की जाती है तीनों पैसेंजर के लिए, तो तीन लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं और लेग स्पेस भी उन्हें सफिशिएंट मिल जाता है, हेडरूम भी सफिशिएंट मिल जाता है। तो एक रियर में हमारी तरफ से यही था, और यहाँ पर आपको मिल जाती है लाइट्स, तो एक बहुत अच्छी टच है ये। चलते हैं इसके इंजन ऑप्शंस की तरफ, क्या ऑफ़र किए जाते हैं, इंजन बे चेक करते हैं। तो आइए इंजन बे चेक कर लेते हैं, इंजन बे में क्या ऑफ़र किया जाता है। तो ये लाइट है और यहाँ पर आपको इंसुलेशन नहीं मिलता है, हालांकि जो बॉडी पेंट है उसमें कोई कमी नहीं रखी गई है। यहाँ पर भी जो बेसिक कोटिंग होती है आपकी ब्लू कलर में, थंडर ब्लू कलर है ये, और इसके चार कलर ऑप्शन आते हैं आपका, ग्रे हो गया, रेड हो गया, पोलर वाइट हो गया, और एक ये थंडर ब्लू कलर। यहाँ इंसुलेशन नहीं है क्योंकि हुंडई रिलाई करती है अपने इंजन के रिफाइनमेंट में, 1 लीटर जो उसके टर्बो इंजन्स आते हैं उनकी रिफाइनमेंट पे हुंडई रिलाई करती है कि काफ़ी साइलेंट होते हैं। तो इसे मैं पहले यहाँ पर हुक कर देता हूँ, फिर इजीली मैं आपको समझा पाऊँगा। तो काफ़ी पैक लगता है इंजन में और पार्ट्स जो हैं कुछ ज़्यादा एक्सपोज नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। ब्लैक एंड आउट है पूरा, और यहाँ पर ये जो पावर हाउस है हुंडई की तरफ से जो कि आपको जनरेट करके देगा 118 PS की पावर और 172 Nm का टॉर्क, तो ये जिप जैप जूम होने वाला इस कार के साथ हाईवेज पे, तो पंगा थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। इस कार का स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपटीशन आपका फोक्सवैगन की पोलो से, क्योंकि एक वही राइवल दिख रहा है इसको जो कि टक्कर दे सकता है। अल्ट्रॉज को भी कई लोग इसका कॉम्पिटिटर मानते हैं, अल्ट्रॉज आई टर्बो को, तो वो आगे हम बात करेंगे ड्राइव इंप्रेशन में। इन तीनों कार्स में कौन सा कार सबसे अच्छी है, 0 to 100 इस कार का टेस्ट करेंगे हम। इस कार में ऑफ़र किए जाते हैं आपको 7-speed DCT और 6-speed IMT। मैं प्योर मैनुअल का फ़ैन हूँ और मैं वेट करूँगा कहीं ना कहीं हुंडई प्योर मैनुअल भी आगे समय में लाकर दे। हालांकि इसका जो IMT में गियर नॉब है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया कि उसकी जो पिक्चर्स है काफ़ी अच्छी लग रही हैं जो हमने अपलोड की हैं। इस कार में जो एनिमेशंस हैं इंटीरियर में वो एक जगह और अच्छे यूज़ किए जा सकते थे, जो 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट है, जैसा कि अल्कज़ार में एक NFS की थीम आती है, सेम अगर वहाँ पर दे सकते तो कितनी टॉर्क निकल के आ रही है कार से, कितनी पावर कार ये जनरेट कर रही है वो शो करता, तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगती डायनेमिक्स के मामले में भी। और मैं बात करूँ इस कार में आपको चार कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, पोलर वाइट, ग्रे, रेड और ये थंडर। थंडर कलर मेरा फेवरेट है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कलर ऑप्शंस में कौन सा कलर चूज़ करोगे। फोक्सवैगन पोलो और एन लाइन और एल्ट्रॉज में आप कौन सा चूज़ करोगे, एन लाइन का थंडर ब्लू कलर, एल्ट्रॉज का डार्क कलर, या फिर फोक्सवैगन का जो पुराना रेड कलर आता था, इन तीनों में आप कौन सा चूज़ करोगे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए, इस बार कमेंट बॉक्स पूरा आप लोग को फिल करना है। इस वीडियो में यहीं तक था, थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे हेल्दी स्टे सेफ, धन्यवाद। I gave you all I